दोस्तों, आज हम बिना बटर की केक सजाने वाले क्रीम बनाने वाले हैं। इस क्रीम को व्हिप क्रीम भी बोलते हैं। आपको एक क्रीम बनाने के लिए सामग्री घर पर ही आसानी से मिल जाएगी। जैसे कि हम सबके घरों में दूध, मैदा और शक्कर हमेशा होती है, तो हम आज इन्हीं चीज़ों से केक सजाने वाली क्रीम बनाने वाले हैं। आपके बच्चों को क्रीम खाने का मन करे तो आप इस तरीके से क्रीम बनाकर बच्चों को क्रीम खिला सकते हो। चलिए अब हम केक वाली क्रीम बनाते हैं। इसके लिए हमें एक पैन चाहिए। पैन में मैंने 2 कटोरी शक्कर डाली है, उसी हिसाब से हमें इसमें 2 कटोरी पानी डालना है। आपके पास अगर दूध हो तो आप इसमें दूध ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और पानी है तो पानी से भी हमारी क्रीम बन सकती है। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रहे, हमें इसमें शक्कर को मिक्स करना है, हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी। देखिए, हमारी शक्कर पानी में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। आज हम एक क्रीम बनाने के लिए मशीन का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करेंगे, बल्कि आज हम हाथों को थोड़ी सी तकलीफ देकर केक सजाने वाली क्रीम बनाने वाले हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच मैदा डालने वाले हैं। हमें मैदा डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हम इसे लगातार मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें कुछ भी लम्स ना रहे। याद रहे, हमें इस समय गैस को लो फ्लेम पर करना है। देखिए, हम इसे लगातार घुमाते रहे तो इसीलिए हमारे इस क्रीम में लम्स बिल्कुल ही नहीं है। 2 चम्मच मैदे से आज हम ढेर सारी क्रीम बनाने वाले हैं। हमें इसे थोड़ा सा गाढ़ा ही बना लेना है। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से हमें इसे गाढ़ा बना लेना है। हमारे केक वाले क्रीम के लिए एकदम परफेक्ट है। अब हम इसे एक छोटे से कटोरी में निकाल लेंगे। आप इसे चाहो तो ऐसा ही ठंडा कर सकते हो, नहीं तो आप इसे फ्रीजर में भी रख सकते हो। हमें इसके ऊपर खाली लेयर नहीं आने देनी। मैंने इसे आधा घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया था। आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लेयर नहीं आई। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। इससे हमारी केक वाली क्रीम बहुत आसानी से बन जाएगी। मैंने पहले ही आधी कटोरी की फ्रिज में रख दिया था। देखिए, ये कितने अच्छे तरीके से जम चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके का घी चाहिए था। इससे हमारी क्रीम बहुत ही अच्छी बनेगी। आप चाहो इसमें बटर का ही इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें 1 चम्मच घी 1 कटोरी में लेना है। हमें इस घी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। टुकड़े होने के बाद हमें इससे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हमें इसे लगातार एक ही दिशा में घुमाना है। इससे हमारा घी अच्छे से फूल जाएगा। आज हमें इसमें हाथों से ही ज़्यादा मेहनत करनी है। देखिए, मैं इसे लगातार घुमा रही हूँ। देखिए, हमारा घी कितने अच्छे तरीके से फूल रहा है। हम इसे और थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाने के लिए ना भूलिए। देखिए, अब हमारा घी अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसमें जो हमारी मैदे की पेस्ट है उसे हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे। हमें इसे भी फिर से एक ही दिशा में घुमाते रहना है। हमें इसमें मैदे की पेस्ट एक बार नहीं डालनी। इस पेस्ट को हमें 3 हिस्सों में कर डालनी है। देखिए, हमारी क्रीम तैयार हो रही है। आप ये वीडियो देखते समय आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो तुरंत लाइक कीजिए।
देखिए अब हमारी क्रीम पूरी तैयार हो चुकी है। आपके पास अगर कोन हो तो आप कोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों के पास कोन नहीं है वो इस तरीके का कोन बना सकते हैं। मैंने एक कैरी बैग में पूरी क्रीम डाल ली है। अब हम इसे हाथों से पैक पकड़कर एक प्लेट पर छोटे छोटे फूल बना लेंगे। देखिए हमारी व्हिप क्रीम तैयार हो चुकी है। देखिए 2 चम्मच मैदे से हमने आज ढेर सारी क्रीम बना ली। इसे बनाने के लिए ज़्यादा देर भी नहीं लगी। आपके बच्चों का मन करे आप जब एक क्रीम बना सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल पर आते रहिए और मज़ेदार खाना खाते रहिए।